द्वार देवकी, क्या ये द्वार भी? प्रभु की लीला अपरंपार है। सारे साधन प्रभु ने स्वयं ही संभव कर दिए। मुझे तो केवल इन्हें भाई नंद के घर तक ले जाना है। देवकी, मैं समझ सकता हूं अपने पुत्र से बिछड़ना तुम्हारे लिए कितना कष्टदायक होगा। लो, इन्हें एक बार अपनी गोद में ले लो। एक बार इस माँ ने अपने पुत्र को अपने हाथों में थाम लिया तो फिर स्वयं से दूर नहीं कर पाएगी। अब मैं इन्हें अपने हृदय से तब लगाऊंगी जब ये मेरे पास वापस लौट कर आएंगे। जाइए स्वामी, हमारे पास अधिक समय नहीं है, जाइए। रख चट्टान कलेजे पर पुत्र विमुख हुई माँ, कोख से जिनकी जन्म ले थे धन्य परमात्मा। दूध भी नहीं पिलाया था, इतनी दूर भूखा ही भेज दिया। नवलीला का आरंभ किया पर थे लीलाधर दुविधा में, मिलन को व्याकुल मैया से पर माँ को छोड़ कर पीड़ा में पर Thank you.
हो रहा है मेरी ही लीला है। तब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। भटकने लगे वसुदेव अंधकार चहूं सामने संकट गोद में हृदय घबराए देव हुए खड़े सर जो कैसे करे सहायता उनमें लग गई हो प्रभु को लक्ष्य कर मही की ममता उमड़ आई विपत सम्मुख देख के वे पाताल से उभर आई यमुना तो उफान पर है, ऐसे में पार जाने का प्रयत्न करना प्रभु के लिए सुरक्षित नहीं होगा। आप मुझे लेकर यमुना पार चले जाइए और वहां गोकुल में अपने भाई नंद के संरक्षण में मुझे छोड़कर उनके यहाँ जन्मी पुत्री को यहाँ ले आइए। प्रभु ने स्वयं को गोकुल ले जाने का आदेश दिया है तो सुरक्षा भी यही करेंगे।
के कोमल से तन को वर्षा लगे कटार। देख दौड़ चले आए शेष मन प्रभु सेवा को धार। फैलाया फण जग रक्षक पर रक्षा की छतरी छाई। पीछे पीछे चले शेष बनकर प्रभु की परछाई। आप सभी की भांति मैं भी इस शुभ कार्य में प्रभु का सहायक होना चाहता हूँ। मैं वरुण, जल तत्व के संचालन का अधिकार है मुझे, किंतु गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों दिव्य नदियों के जल पर इन्हीं तीनों देवियों का नियंत्रण है। इस परिस्थिति में केवल देवी यमुना ही सहायता कर सकती है। देवी यमुना के आह्वान में तो समय लगेगा, तब तक वासुदेव जल के भीतर जीवित कैसे रहेंगे? वसुदेव के पग थमे जब जल आया ऊपर शीश। डरे देव बोले दो रक्षा जब किया प्रभु चरणों का स्पर्श। कर प्रणाम पथ दिया सब में छाया। थमी बादल छटे आकाश में चमके तारे। पंचतत्व सहाय बने